हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं गाजर और मूली का अचार बनाने जा रही हूँ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी चम्मच साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत मेथी, साबुत सरसों, साबुत सौंफ और चार सूखे मिर्च को भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें चार बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे। अब तेल जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तुरंत बाद इसमें हम मूली, गाजर और अदरक डालेंगे। याद रहे, मूली, गाजर, हरी मिर्च और अदरक अच्छे से सूखी हुए हो। इसे हम अच्छे से पैर ड्राई कर लेंगे तब डालेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच पिसे हुए मसाले, 2 बड़ी चम्मच पिसे हुए मसाले, 1 याद रहे मसाले देते हुए आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। इसे आप 2 मिनट भून ले। ये अचार बिल्कुल तुरंत खाने के लिए रेडी हो जाता है। याद रखें कि इसे आप बिल्कुल एयरटाइट कंटेनर में रख ले, फिर उसे आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अब आप अपना फ्लेम बंद कर दें और 2 चम्मच विनेगर डाल दें। अब आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।